झाबुआ जिले की थांदा पुलिस ने 1035 किलो डोडा चूरा पकड़ा है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के अभियान के तहत यह कार्यवाही की गई है। मुखबिर की सूचना पर थांदा पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। नोगावा रोड पर शिव मंदिर के सामने एक ट्रक आता दिखा। ड्राइवर से पूछने पर उसने अपना नाम गोपाराम जाट निवासी ग्राम सारला जिला बाड़मेर बताया। ट्रक की तलाशी लेने पर 51 बोरियों में 1035 किलो डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। आरोपी ने यह डोडा चूरा नीमच से लाकर हिम्मत नगर गुजरात ले जाना बताया। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को ये कड़े निर्देश दिए गए थे कि ये जो नशे के जो अवैध कारोबारी और माफिया हैं, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें और अपने अपने मुखबिर जो है उनको मामूर करें, जिनसे कि हमको गुप्त सूचना प्राप्त हो सके। इसी तारतम्य में दिनांक 8 तारीख कल रात में थांदला पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो कि राजस्थान पासिंग का नंबर था उसका, वो पेटलाबाद रोड से पेट्रोल की तरफ जा रहा है और उसमें कुछ संदिग्ध NDPS का सामान हो सकता है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थांदला पुलिस ने कार्रवाई करी उसमें, और जब वो नौगावा रोड पर शिव मंदिर के पास में पहुँचे तो वहाँ पर RJ04GA0902 नंबर का एक अशोक लेलैंड का ट्रक जो कि संदिग्ध लग रहा था, उसको बड़ी सूझबूझ तरीके से उसको रोका गया और उसके ड्राइवर से पता किया गया तो उसने अपना नाम गोपाराम पिता कालू राम निवासी बाड़मेर राजस्थान का होना बताया। शुरुआत में तो जब उस ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें खाद की बोरियाँ मिली, परंतु जब गंभीरता से और सूक्ष्मता से उसकी तलाशी ली गई तब जा करके उस आरोपी की काली करतूत सामने आ गई। उस ट्रक के अंदर 200 बोरियों में 51 बोरी डोडा चूरा भी आरोपी के द्वारा छुपा कर रखा गया था, जिसको कि जब तोला गया तो तोलने के बाद में करीब 10 क्विंटल 1000 किलो डोडा चूरा जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली। अभी प्रारंभिक पूछताछ जो आरोपी से की गई है उसमें आरोपी के द्वारा नीमच जिले से यह माल जो है लाना बताया जा रहा है और हिम्मत नगर गुजरात की ओर उसका डेस्टिनेशन जहां पर कि वो जा रहा है। अभी जो जब्त सामग्री है डोडा चूरा करीब 1000 किलो, जिसकी अनुमानित कीमत 20,75,000 रुपये है, गुजरात में ज़्यादा महंगा बिकता है। अशोक लेलैंड का जो ट्रक है उसको भी जब्त किया गया, खाद की जो बोरियां जिसमें छुपा के रखा गया था ये सामान उसको भी जब्त किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस जो आरोपी का मोबाइल है उसको भी जब्त किया गया है, आगे की विवेचना की जा रही है। इस संपूर्ण ऑपरेशन में जो हमारी पुलिस टीम थी जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करी उनको मेरे द्वारा जो है पुरस्कृत किया जाए। उस दिनांक से ही सभी थाना प्रभारियों को मुखबिर अपने अपने डेवलप करने के लिए बताया गया था, तभी से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, आगे और भी बड़ी कार्रवाइयाँ होने की संभावना है। सर आरोपी ने पूर्व में प्राथमिक पूछताछ हुई है, अभी और पूछताछ होगी उसके बाद में और हम कहने की स्थिति में कुछ लोगों और काफ़ी विवेचना बची है, क्योंकि अभी ये कल ही रात में मिला तो अभी और इससे पूछताछ करेंगे। 8/15 NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, और ये बहुत ही कठिन जो है बहुत ही धाराएं हैं, काफी संगीन अपराध। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।